नास्तिक दो बच्चे, समझो दृष्टांत को, कभी पूजा पाठ नहीं किया। आजकल लोग अपने बच्चों को खूब बड़ी एजुकेशन शिक्षा देने की होड़ में लगे हुए हैं। गलत नहीं है, खूब शिक्षा दो, बड़ी शिक्षा, इंग्लिश अंग्रेजी सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, अच्छी तरह उसको पढ़ो, उसमें गलती नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान दो कि आपका बालक आपकी बालिका इंग्लिश मीडियम पढ़ने के माध्यम से जाने अनजाने में कहीं वेस्टर्न कल्चर भी तो उसके ब्लड में नहीं डाला जा रहा है कुपंथियों के द्वारा। ये ध्यान देना, कुपंथियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा। कुपंथी और विधर्मी कौन है, किसे कहते हैं? जो अपने धर्म को जबरदस्ती दूसरे के धर्म पर थोपे वो कुपंथी है, वो विधर्मी है। सबको अपने धर्म में जीने का अधिकार है लेकिन थोपने का अधिकार नहीं है। जाने अनजाने में आपके बालक बालिका को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से अगर कहीं भी कॉलेज स्कूल कोचिंग कहीं भी वेस्टर्न कल्चर या अलग धर्म की तरफ डाला जा रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखो और ध्यान करके एकजुट बन करके ऐसे स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन मत कराओ जहां हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा ना देकर बल्कि पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ावा दे रहे हो हमारे बच्चों में। ऐसे स्कूल कॉलेज को सरकार से निवेदन करके मान्यता रद्द कर दो। और इस समय तो आपको सरकार से उत्तर प्रदेश में निवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस सोचोगे और काम हो जा रहा है महाराज। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाँ, जय सियाराम। तो अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब शिक्षा दो लेकिन संस्कार सनातनी हो। भाषा चाहे जो पढ़ाओ लेकिन संस्कार सनातनी हो, हिंदू धर्म का संस्कार हो, हमारे धर्म का संस्कार हो, भक्ति हो। लेकिन ये दो माता पिता जो थे ये अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लेकिन कभी सत्संग नहीं किया, गुरु महाराज के यहाँ नहीं गए, ना आया ना समझाया। तो दोनों बच्चे नास्तिक थे, दोनों बेटे भगवान को नहीं मानते थे। संजोग से कुछ दिन बाद पिता के मृत्यु हो गई तो माँ ने दोनों बेटों को बुलाया, कहा पिताजी को अग्निदान दे दो, अंतिम संस्कार कर दो। बेटा अगर अंतिम संस्कार देता है तो पिता की गति होती है। दोनों बच्चों ने कहा ये सब हम नहीं मानते, हम नहीं देंगे अग्नि, अग्नि नहीं दिया कोई और दिया, सनातनी परंपरा को नहीं मानते थे, नास्तिक थे, मना कर दिया। दसवें दिन कहा बाल मुड़ा लो, आज दसवां है श्राद्ध है कर लो। दोनों बेटों ने कहा हम ये सब नहीं मानते, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा, हम नहीं करेंगे, हम ये सब नहीं मानते। तेरहवीं सोलहवीं के दिन जो पूजा पाठ विधि विधान था माँ ने कहा ये तो कर लो। दोनों बच्चों ने कहा इससे क्या फायदा, हम ये सब नहीं मानते, भगवान पूजा पाठ हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानते। धीरे धीरे साल भर बीत गए, जब बरसी पड़ी पिताजी की तो बरसी के कुछ दिन पहले माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित हो जाएं, यहाँ से 16 किलोमीटर ही तो गंगा जी हैं, अरे जाके प्रवाहित कराओ। तो बड़े बेटे ने तो साफ मना कर दिया कि भैया मैं नहीं मानता ये सब, मैं नहीं जाऊँगा। छोटे बेटे ने कहा अच्छा ठीक है मैया रख दो, मैं कभी उस तरफ जाता रहूंगा तो लेता जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। संजोग से 15-20 दिन बाद इसको उसी तरफ जाना था जिस तरफ माँ गंगा थी, और माँ से कहा मैया लाओ पिताजी की अस्थियां, मैं जा रहा हूँ प्रवाहित कर दूंगा। पिताजी की अस्थियों को लेकर छोटा बेटा चला 14 किलोमीटर गया, और माँ गंगा किलोमीटर थी घर से 16 किलोमीटर, 14 किलोमीटर गया। इसका काम 14 किलोमीटर तक ही था, अपना काम किया, फिर इसके मन में आया एक पानी बह रहा था बड़ा सा जो गंगा जी में जाता था, तो इसके मन में आया कि ये पानी भी तो गंगा जी में ही जा रहा है तो हम फालतू का 2 किलोमीटर आगे काहे जाएं। सो उसी नाले में पिताजी की अस्थियों को डाल दिया कि गंगा जी में तो चली ही जाएंगे। अब लौट आया, रात्रि हुई, पिताजी अपने पत्नी के सपने में आ गए, अरे कैसे बेटे को मेरी अस्थियां दे दी थी, नाली में प्रवाहित करके आ गया। सवेरा हुआ, माँ ने बुलाया छोटे बेटे को, इधर आओ इधर इधर। हाँ मैया क्या हुआ, इधर तुमने वो पिताजी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की? अरे मैया गंगा जी में प्रवाहित की, और कहाँ प्रवाहित करूंगा, आपने कहा था गंगा जी में। नहीं नहीं नहीं, तुमने नाले में प्रवाहित की ना। अब बेटा डर गया, सन्न हो गया कि अरे माँ को कैसे पता चला। बेटे ने कहा अरे मैया लेकिन आपको कैसे पता चला? माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी आए थे सपने में, वो बता रहे थे। बेटा ने कहा धत तेरे की,
पिताजी को जीते जी तो दिमाग था नहीं, मरने के बाद वो दिमाग नहीं आया। माँ ने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो, पिताजी ने क्या किया, उनको दिमाग क्यों नहीं है। बेटे ने कहा कि इनको इतना दिमाग नहीं, 14 किलोमीटर इधर सपने में बताने आ गए, 2 किलोमीटर और आगे जाते तो गंगा जी में पहुंच जाते। ये हंसने के लिए नहीं बता रहा हूं, आप समझो ये बच्चों का संस्कार। ऐसे ही तुमको भी इस बच्चे जैसा घर में सुनने को मिलेगा अगर अपने बच्चों को, बहुओं को, युवक युवतियों को समय समय पर सत्संग कथा में आश्रमों में नहीं ले जाओगे या अपने घर में, सोसाइटी में, कॉम्प्लेक्स में, गांव नगर में 2-4-6 महीने में किसी संत का 2-3 दिन का बुला करके सत्संग कथा कराते रहो, सब लोग मिलके कराते रहो। भगवान की कथा चाहे जो करे, भगवान की कथा से मतलब रखो, कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं। अरे यार तुम लोग को जब कभी भूख लगेगी तो भूख मिटाने में अपना काम करोगे कि कौन परोस रहा है उससे मतलब रखोगे। भूख लगती है तो तुम भोजन से मतलब रखते हो, मेरे मालिक किससे मतलब रखते हो, भोजन से। ये नहीं देखते कि परोस कौन रहा है, परोसने वाले को ध्यान मत दो। आत्मा की खुराक भजन और कथा है, कोई भी परोसे आप लेकर के आनंद में बढ़ो। नगर, गांव, मोहल्ले, सनातनी सब एक हो जाओ, मिलजुल करके 4-6 महीने के अंदर एक, जब एक गांव 2-4 गांव मिल जाओगे, 2-4 सोसाइटी मिल जाओगे तो थोड़ा थोड़ा धन मिला दोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा धन मिला करके 2-4-5 दिन की राम कथा, हनुमत कथा, कृष्ण कथा 6 महीने में एक बार किसी भी संत से बुला के करवाते रहोगे तो इससे भगवान का नाम भी होगा, सनातनी परंपरा भी जगी रहेगी, ब्राह्मणों का आना जाना भी लगा रहेगा और तुम्हारे बच्चों को हर 6-6-7-7 महीने पर मानसिक खुराक सत्य की मिलती रहेगी।